जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाब्रिदी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें और जानकारी मैं आपके पास लेके आता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे क्या लगता है और इस देश के युवा को क्या लगता है ये भी मायने रखता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि मैं धार्मिकता बढ़ाता हूँ या जातिवाद फैलाता हूँ, उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखें और समझ लें कि ये वीडियो बनाने का, ये चैनल बनाने का, ये यूट्यूब पे काम करने का कंटेंट मुझे कहाँ से मिला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों आप सब जानते हो कि अलय ब्रिज जब से शुरू हुआ है तब से मैंने दो ही टॉपिक लिए, एक आदिवासी, दूसरा गोंडी धर्म। गोंडी धर्म में मैं जन्मा हूँ, गोंडी धर्म में मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धर्म में बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अगर आप देख लो तो 30% लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन कैसा है, उसका एक तो धर्मांतरण हो गया है और जो भी है सीखे पढ़े लिखे लोग, वो उनको पता नहीं है कि बात क्या है, गोंडी धर्म क्या है, गोंडी धर्म के मायने क्या है, गोंडी धर्म कैसा है, या गोंडी धर्म के डीप में वो गया नहीं है। इसलिए सब युवा को मैं संगठित करके एक जगह तो नहीं ला सकता, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। इस चैनल का उद्देश्य कोई जातिवाद फैलाना नहीं है। जो भी बोल रहे लोग कि जातिवाद फैलाता है, उनका ये सब गलत है। जातिवाद मैं फैलाता नहीं हूँ, सिर्फ मेरा एक काम है कि मेरा धर्म, मेरी जे मेरी कौम है जो आदिवासी लोग हैं, उनको समझ आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे जो बात अच्छी लगती है, जो किताबों से मैं लेता हूँ, वही मैं बात यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों, अभी क्या है, मैंने एक बात बहुत यहाँ से देखी है, कोया पुनम सम्मेलन या आदिवासी धर्म मेड़ावा या और कोई कुछ, जो यहाँ से चंद्रपुर से गढ़चिरौली से लेकर पुणे तक बहुत बड़े सम्मेलन होते हैं, आज तक आप देख लो वो सम्मेलन बहुत मायने रखते हैं हमारे लोगों के लिए। कहीं शिविर होती है, कहीं कुछ, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिए जाते हैं। लेकिन क्या हम दोस्तों ये कंटेंट ले पाते हैं उस प्रोग्राम का, सबका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम कंटेंट लेते नहीं है उस प्रोग्राम का। जो भी है, समाज में कुछ ऐसे 10% लोग हैं जिनको लगता है कि समाज उन्नति करें, आगे बढ़े, और वो लोग अपने प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन 90% समाज ऐसा ही सोचता है कि इसमें कुछ कंटेंट मिलने वाला नहीं है। जैसे एक स्पीच वाले आदमी को हमने अगर बुला लिया स्टेज पे, तो वो आदमी जो बताता है वो हम सुनते नहीं है, सुनते हैं तो उसको आचरण में लाते नहीं है। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो ये सब गलतियाँ मिला के मेरी जो टीम है, वो टीम ने रिसर्च किया लोगों में, और एक प्रोग्राम लेने के बाद, शिविर लेने के बाद, अच्छे खासे अपने विद्यार्थी जो है, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो मुझे तो एक ही लगता है कि अगर महाराष्ट्र में कोई एक्टिव गट है तो वो हॉस्टल के विद्यार्थी है। उनके पास मैं गया, उनको पूछा, शिविर में लाया, उनसे सवाल पूछा, और उनसे उनके जवाब से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे इसमें एजुकेशन कम है। अगर है भी 12% अगर हमारे इसमें एजुकेशन है, तो वो लोग समाज उन्नति या समाज कारण में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना है, पहले किताबें पढ़नी है, जो भी मिले जैसी भी मिले किताबें पढ़नी है, उसको रटना है, उसका नॉलेज अपने दिमाग में भरना है, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि जिस समाज को ध्येय नहीं रहता वो समाज समाज नहीं रहता या वो नेस्त नाबूद हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है बाबा साहब अम्बेडकर की। वो बोलते हैं किसी समाज को मिशन होना चाहिए, हमें कुछ मिशन मिलता नहीं है। आज भी आप किसी स्टेज पे जाओ, कोई भी बोलता है कि इसने हम पे ये अत्याचार किया, इसने हम पे वो अत्याचार किया, तो ठीक है ना भाई, अभी 100 साल बीत गए, आज हम हमारे ताकत से खड़े हैं, हमारे हक का अधिकार से खड़े हैं, फिर भी आज हम अगर वो ही देख के रोते रहेंगे तो नहीं जमेगा। आज तो करना है, कुछ करना है। तो युवाओं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो। अगर आपके साथ 10 लोग नहीं है, आप अकेले हो, तो पहले पढ़ाई करो और 10 लोगों जितना जुनून खुद में लाओ, उसके बाद समाज अपने आप आपसे जुड़ जाएगा। मेरा यही कहना है दोस्तों को कि दोस्तों, पढ़ाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले एजुकेशन कर लो, उसके बाद ही समाज कारण करने में इंटरेस्ट रखो, अभी से नहीं। अभी से आप करोगे तो आपके पास नॉलेज कम होगा, इसलिए आपकी कदर की नहीं जाएगी। पहले लाइबिलिटीज लाओ, उसके बाद ही लोग आपको पूछेंगे और समाज कारण भी होगा। जो मैंने जैसा लगा वैसे आपको बताया है। तब तक के लिए जय सेवा, जय जवाहर, जय गुरु। I'm not afraid to die.
అదే ఇలా జీ తర నవి జమునా అదే ఇలా జీ తర నవి జమునా.